तीन का बांझपन एक बहुत कॉमन कॉज है ट्यूबल फैक्टर ठीक है यानी कि आम जुबान में जिनको ट्यूबें कहा जाता है ट्यूब्स का काम होता है कि उन्होंने खातून के अंडे को अंडे दानी से पिक करके बच्चे दानी तक पहुंचाने ठीक है और इसी सफर के दौरान इसी ट्यूब में जो सफर के दौरान है उनकी मुलाकात स्पर्म से होती है हस्बैंड के स्पर्म आ जाते हैं अगर ये ट्यूबें ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से कोई इंफेक्शन हो गई है टीबी हो गई है उस बच्ची को या कोई और इन्फेक्शन हो गया जिसको हमारी जुबान में पी आई डी कहते हैंटरी डिजीज वेस्ट में बहुत कॉमन है एस टी डीजी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो कॉज हो सकती हैं तो ठीक है। ये मल्टाइफेक्टोरियल हो सकती है और उसकी वजह से ट्यूब एंडेज हो सकती है एक डिजीज है जिसको कहा जाता है एंडोबिट्रियोसिस उसके वो बहुत सारी बच्चों को पता भी होता है कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है क्योंकि अमूमन ये बड़ी पेनफुल डिजीज है उसमें ट्यूबें डैमेज हो सकती है सो अगर ट्यूबें बंद हो गई आम जुबान में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि एग और स्पर्म ने जिस रास्ते पे मुलाकात करनी थी वो रास्ता ब्लॉक हो गया नहीं हो सकती थीक है।, थीक है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए बड़ा जरूरी है कि खातून से एक अच्छी क्वान्टिटी का या क्वालिटी का एग आए और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म आए दोनों मुलाकात करें उस ट्यूब में अमूमन मुलाकात होती है उनके मिलाप से एक एंब्रियो बनता है। ठीक वो बीज, है। तो वो बीज अच्छा बनेगा तो फसल आगे चलेगी बीज कमजोर है तो फसल ही नहीं आगे बढ़ेगी ठीक, ठीक, ठीक है ना सो वो एम्ब्रियो का अच्छा यही फीमेल इनफर्टिलिटी की बात होगी सबसे कॉमन फैक्टर बात की है कि वो है ट्यूबल फैक्टर